हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। बीटीयूपी से इम्पोर्टेंट ऑफिशियल नोटिस आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चों के लिए वीडियो को पूरा देखें। यहां पर 15 नवंबर को क्या यहां पर बड़ी खुशखबरी है बच्चों के लिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। और ओल्ड सेमेस्टर के आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट होने वाले है कल से, क्या है पूरी अपडेट बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें, जो पहली बार आए जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन कॉल पे क्लिक करेंगे ताकि आपको आगे की वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब भाई साहब क्लासेस चलने वाली हैं आप लोगों की, ताकि आपका मॉडल पेपर क्लासेस के मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, और क्वेश्चन पेपर के जो सॉल्यूशन यहाँ पर दूंगा आपको, है ना, टेस्ट सीरीज आप यहाँ पर देने वाला हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले आप नोटिस देख लीजिएगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रीचेक रिजल्ट बार बार बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जहां देखो रीचेक रिजल्ट वाला क्वेश्चन ही आ जाता है। तो मैंने आपको जैसे सर ने बताया था 15 को रीचेक रिजल्ट आएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, क्योंकि आपको पता है ये बीटीयूपी बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है ना, यहाँ पर कुछ कंफर्म नहीं है, है ना। 15 को मैंने बोला था आपको प्रीवियस के वीडियोस में, 15 से 20 के बीच में आ जाएगा। अब कल आपका 15 आने वाला है, तो हो सकता है कल रिजल्ट आ जाए, कंफर्म नहीं है, सुन लीजिएगा कंफर्म नहीं है। और कंफर्म अगर जावेद सर बार बार कमेंट करते रहते हो आप लोग, तो जावेद सर ने भी बताया, देखिए यहाँ पर जो उन्होंने पहले जानकारी दी थी वही बार बार जानकारी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो बार बार सर वही ट्यूट उनको मतलब रिप्लाई में दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है जो सर बता चुके हैं, है ना, और मैंने भी आपको बताया था अगर 15 को आना होगा तो आ जाएगा, अगर 15 को नहीं आया रिजल्ट तो आपका वही 20 से लेकर 30 के बीच में समथिंग आएगा, है ना। तो इंतजार करो, जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अब बात कर लेते हैं जो नोटिस आया है उसके बारे में। देखिए बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा सर एग्जामिनेशन फॉर्म कब से फिल भरे जाएंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए बीटीयूपी से नोटिस आया था, आप लोग शायद भूल गए होंगे, बहुत से बच्चे को पता ही नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जो बीटीयूपी ने कैलेंडर जारी किया था, उस कैलेंडर के अनुसार आपके परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि है 15 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, और कल आपका 15 नवंबर है, ठीक है। 15 नवंबर 2022 से 25 नवंबर तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे, ये चीज मैंने आपको प्रीवियस के वीडियोस में बताया है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, बच्चे भूल चुके हैं इन चीज को लेकर, और कॉलेज से जैसी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ देख सकते हो 15 नवंबर से 25 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, जैसा इसमें बताया गया है। अब देखना ये अगर कॉलेज से नोटिस वगैरह आता है कि फॉर्म भरने को लेकर, बोर्ड से आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, तो आप परेशान नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 15 नवंबर से 25 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे इस नोटिस के अकॉर्डिंग, बीटीयूपी ने जो कैलेंडर जारी किया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसमें बता जा रहा है कि आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के एडमिट कार्ड वो 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक आ जाएंगे, उसके बाद जो सेशनल है आप लोगों के कब से चढ़ेंगे, और यहाँ पर आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं 10 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होंगे, उसके बाद जो आपके मेन एग्जाम है, यहाँ पर एक चीज है मेन एग्जाम वाली, तो मेन एग्जाम आप लोगों के 26 दिसंबर से है इस कैलेंडर के अनुसार। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लग रहा है कि बीटीयूपी 26 दिसंबर से आपका मेन एग्जाम करा पाएगा, आपकी क्या राय है, क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट में टाइप करेंगे। मेरा अनुमान तो यही है कि बीटीयूपी 26 दिसंबर से एग्जाम नहीं करा पाएगा, हालांकि आज तक का रिकॉर्ड रहा है कभी इसने टाइम से एग्जाम कराया ही नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान है कि आपके एग्जाम जनवरी में जा सकते हैं, जनवरी में आपके एग्जाम जा सकते हैं, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी है वो 26 दिसंबर से ही करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। ये चीजें निकल के आई थी तो मैंने सोचा आपको बता दी जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहे हैं तो उनको लेकर। अब मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल की क्लासेस चलाने वाला हूँ, फुल यहाँ पर सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, तो ये बहुत सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आपने देख लिया आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भैया 15 से फिल होना स्टार्ट होंगे इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो कि बीटीयूपी ने जारी किया था, है ना, शैक्षणिक कैलेंडर के बारे में। मुझे नहीं लगता है कि बीटीयूपी अपने कामों को कर पाएगा, लेकिन जो नोटिस में है उसी के अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए, और जैसी कोई और अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं स्टूडेंट्स, और जैसा कि मैंने आपको बताया है ना 15 नंबर से आपके फॉर्म फिल होंगे, अगर कॉलेज से कोई नोटिस आएगा तो मैं आपको बताऊंगा हमारे कॉलेज में क्या चल रहा है, एग्जामिनेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग डेट के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएंगे। रीचेक रिजल्ट आपका मैं बता दिया हूं, आपका रीचेक रिजल्ट अगर मान लीजिएगा कल नहीं आता है, चांसेस तो नहीं है कल आ जाए, लेकिन आपका रीचेक रिजल्ट वही जा सकता है ना 20 से लेकर 30 के समथिंग आपका रिजल्ट आ सकता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।